Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this online learning platform. यहाँ पर हम देना चाहेंगे आपको कुछ examples specific determiners के बारे में, ठीक है? तो बने रहिए बिना देरी के हमारे वीडियो के साथ में, enjoy करते रहिए अपनी online study को घर पे. The man is behaving so strangely. Strangely का मतलब होता है अजीब से. The man is behaving strangely. The determine कर दिया man को. These apples are good. तो these इसमें क्या है? Determiner. His father is out of the city. उसके पापा जो है out of the city है. अब इसमें जो qualities बता रखी noun की, तो मैंने क्या बताया था आपको? Determiners जो है वो quantity या qualities बताते हैं, और these जो है इसमें एप्पल्स की क्वांटिटी बता रहा है कि उसकी संख्या कितनी है. हिज फादर इज़ आउट ऑफ द सिटी, उसके पापा जो है आउट ऑफ सिटी है, शहर से बाहर है. तो ये भी एक क्वालिटी यह है कि शहर जो है वो उससे वो बाहर है, तो ये उसकी लोकेशन है, उनके फादर की लोकेशन है. नेक्स्ट है इसमें पजेसिव, इसमें हीज जो है इसमें पजेसिव डिटर्मिनर्स में काउंट किया गया है. और जिम इज़ हर ब्रदर, ये भी इसमें पोजिशन में ही यूज़ हुआ है. इट इज़ माई बुक, ये पोजिशन के साथ में है. विच इज़ योर कार, ये भी पोजिशन के साथ में है. तो ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स करवा रहा हूँ, इनको आप यूज़ करिए अपने डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में यूज़ करने के बाद में इनको देखिए. इनकी लिस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. दोज मैंगोज़ आर रोटन, ये मैंगोज़ जो है पूरे बेकार हो चुके हैं. दिस प्लान विल वर्क, ये प्लान काम करेगा. दैट प्लेस इज़ सो क्राउडेड, ये प्लेस जो है पूरी क्राउडेड है. द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है. डू यू नो इट्स फंक्शन, अब ये क्या न्यूटर है? जैसे आपने देखा ही इज़ हर और इट्स, इट्स का मैंने बताया था नॉन लिविंग्स के साथ में आता है. हु इज़ योर सिस्टर हियर, आपकी सिस्टर यहाँ पर कौन है? आर यू गोइंग देयर हाउस, क्या आप उनके घर जा रहे हैं? हु इज़ द पर्सन हुज नेम इज़ रिटन हियर, दिस इज़ द पर्सन हुज नेम इज़ रिटन हियर, यह वही व्यक्ति है जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. हिज आइडिया इज़ गुड, हर परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग. तो ये कुछ इसमें पॉजिटिव डिटर्मिनर्स को यूज़ किया हुआ है. अब जो इसमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो डिटर्मिनर्स का यूज़ होता है, उनको क्वांटिफायर इन इंग्लिश. सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच, अ बिट, लिटिल, ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ और लिटिल, अ वेरी लिटिल, अ मेजोरिटी ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, सेवरल, लार्ज नंबर ऑफ, ये जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. अ मेजोरिटी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ सेवरल, मैनी, लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, ये सब आते हैं काउंटेबल के साथ में. और कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ में आते हैं, तो इनका यूज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे ऑल वाटर इज ड्राइड and all the students are going to the school. Enough, पर्याप्त, काफ़ी, ये numbers के साथ में भी use होता है और quantity के साथ में भी use होता है. No, some, जैसे कुछ, more, most, lot of things, या lot of peoples, तो ये इसमें use हो सकता है. Less, least, any, not any, plenty of. तो ये कुछ यूसेज हैं जो आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं. जैसे मच का, तो आई हैव मच वाटर इन माय बॉटल, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं. लिटिल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट डील भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो चाहें वो यूज़ आप कर सकते हैं, ये इसमें ज़रूरी है. तो वेरी लिटिल, लार्ज नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ, ये इसमें यूज़ हो सकते हैं. मेजोरिटी ऑफ, ये काउंटेबल के साथ. तो आप इनकी प्रैक्टिसेस जो है वो रेगुलर करते रहिए, ताकि आप अपना परफेक्शन जो है वो डिटर्मिनर्स की तरफ और ज़्यादा अच्छे से बढ़ सके. आप इनकी प्रैक्टिसेस को करिए और समझिए इनके एक्चुअल मीनिंग को. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी.